तो ये हम लोग का एक और रूम है, ये बाबू का रूम ये बोल रही है। अभी फिलहाल गेस्ट रूम है, मुझे बाबू तब तक बड़ा हो जाएगा तो पूरा उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो ये रूम भी बहुत सुंदर है, ये देखिए इसका डिजाइन, यहाँ पे कवर्ड, ये वॉशरूम भी बहुत सुंदर बना है। अच्छा गीजर भी लग चुका है। जब पता चला 1 वीक तक मतलब मन भर के खाए थे, मन भर के, तो डोसा का जो सांभर रहता ना, जैसे ही खोले इतना भग करके स्मेल आया, हम बोले हटाओ, तो बोले क्या हुआ, मतलब नॉर्मली तो स्मेल कर रहा है, हम बोले नहीं हमको बहुत अजीब सा स्मेल कर रहा है, हम नहीं खा पाएंगे। फिर हम नहीं खाए, बस उसी दिन से स्टार्ट हुआ स्मेल, मतलब हर एक चीज़ से स्मेल आता था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही आता है, हर एक चीज़ से स्मेल आता था। और फिर उल्टी, जो उल्टी स्टार्ट हुआ सो तो एकदम भी नहीं पाते थे, क्योंकि हर टाइम उल्टी होता था। और उस टाइम हम लोग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। एक बार हॉस्पिटलाइज हुई है अभी तक, हाँ। उसके बाद अभी 5 महीना होने चला था, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आसवी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिषी दे के बारे में, और इस वीडियो में खास जानेंगे कि डॉक्टर ने बेबी कंडीशन के बारे में क्या बताया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्योतिष ने रिसेंटली अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में शेयर किया था, और साथ ही उन्होंने बताया था कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं, और उन्होंने कहा था कि उनको सिम्टम्स मार्च के टाइम पर स्टार्ट हुए थे, लेकिन उनको पता नहीं चला था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखने लगे, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी। और ज्योतिष जो शुरुआत में कोई भी दिक्कतें नहीं आई थी अपनी प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई और मॉर्निंग सिकनेस होने लगी। और साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया कि एक टाइम तो उनको एडमिट भी होना पड़ा था, उनको ग्लूकोज भी चढ़ा था, लेकिन कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई थी, और अब कुछ नॉर्मल है, उनकी हेल्थ भी काफ़ी बेटर हो चुकी है। और उन्हें बताया था कि बेबी कंडीशन काफ़ी बेहतर है और बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और वो आगे अपने बेबी का रूम भी दिखाती हैं, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उनके बेबी के आने तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अपनी गोद भराई के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ गोद भराई 9 मंथ्स प्रेग्नेंट पे होती है, यानी कि जब 9 महीना स्टार्ट होगा तब हमारे यहाँ गोद भराई होगी। तो आज बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इस लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।